तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, और जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 12 का, साउंड चैप्टर का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा लिखा हुआ है। देखिए, एक पर्सन है जो कि जो है लिसन करता है एक टोन को 500 हर्ट्ज पर। 500 हर्ट्ज क्या है? फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी दी हुई है 500 हर्ट्ज, तो ये फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है। इसके बाद इसके बारे में बताया है कि ये 450 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से? सोर्स से, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस सोर्स से कितनी दूर है? 450 मीटर की दूरी पर है। तो आपको बताना है कि टाइम इंटरवल कितना होगा साउंड के बीच में, एक कंप्रेशन और सक्सेसिव कंप्रेशन या सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा। तो फ्रिक्वेंसी होती है 1/ टाइम पीरियड, या टी अगर हमें निकालना हो तो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 1/ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो डिस्टेंस का तो कोई रोल नहीं है इसमें, इस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन हमें निकालना है, यानी ये उसके बीच में टाइम पीरियड कितना है। तो एक वेवलेंथ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 1/ एफ, तो 500 रख दोगे 1/500, तो 0.002 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको। चलिए,